हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन ट्रैवलिंग वर्ल्ड में। आज हम मोस्ट विजिटेड सिटीज़ ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बनारस, टोटल पॉपुलेशन 16.64 लाख, जो कि वर्ल्ड के सबसे पुराने शहरों में शामिल है, जो कि कुल 163.8 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बसा है। इस शहर को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है, जो गंगा के तट पर बसा है। यह अपने घाट, पावन गंगा नदी, बनारसी सिल्क साड़ीज, पान, टेम्पल, फूड और म्यूज़िक के लिए जाना जाता है। उदयपुर, उदयपुर की कुल आबादी 5.6 लाख है, जो कि 37 किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसा है, जिसे सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर हिस्ट्री और हेरिटेज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप लेक, पैलेसेस, टेंपल्स, म्यूजियम इत्यादि घूम सकते हैं। 400 वर्ष पुराना यह शहर। यहाँ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है और लेक पैलेस यहाँ का विश्व के मोस्ट रोमांटिक होटल्स में से एक है। पुणे, पुणे की कुल आबादी 66.29 लाख है। 331 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में बसा यह शहर, जो कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है। मराठी यहाँ की मुख्य भाषा है। यह शहर छत्रपति शिवाजी की भूमि है। यह शहर अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, आईटी और एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की नाइट लाइफ भी काफ़ी प्रसिद्ध है और यह एजुकेशन हब होने के साथ इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। यहाँ की कुल आबादी 1,23,00,000 है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 709 किलोमीटर स्क्वायर है। यह भारत का आईटी हब है। बेंगलोर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आईटी कंपनीज के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भारत की अधिकतम सॉफ्टवेयर कंपनीज बेंगलोर में ही मौजूद हैं। यहाँ इंफोसिस और विप्रो के हेडक्वार्टर्स भी हैं। यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी फेमस है। यहाँ आप पैलेस, गार्डन्स, टेम्पल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा रहता है। कोलकाता, यहाँ की कुल आबादी 1.49 करोड़ है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 206 किलोमीटर स्क्वायर है। कोलकाता जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। पहले ये ब्रिटिश रूल में भारत का कैपिटल था। इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का हावड़ा स्टेशन भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ का जू भारत का ओल्डेस्ट जू है। कोलकाता का पूल क्लब वर्ल्ड का सबसे पुराना पूल क्लब है। ईडन गार्डन वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यह शहर अपने हिस्ट्री, आर्किटेक्ट, कल्चर, फेस्टिवल, स्ट्रीट फूड्स और स्वीट्स के लिए जाना जाता है। जयपुर, यहाँ की कुल आबादी 39.9 लाख है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 484.6 किलोमीटर स्क्वायर। जयपुर एक प्राचीन शहर है और अपने भव्य महलों के साथ अन्य प्राचीन संरचनाओं के लिए जाना जाता है। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर सिटी अपने किले, महलों और अपने हवेलियों के लिए विख्यात है। दुनिया भर के पर्यटक भारी संख्या में यहाँ भ्रमण करने आते हैं। अंबेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, हवा महल, शीश महल, गणेश बोल और जल महल जयपुर के लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं। चेन्नई, यहाँ की कुल जनसंख्या 1.9 करोड़ है और क्षेत्रफल 426 किलोमीटर स्क्वायर है। चेन्नई अपनी हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यहाँ की मुख्य भाषा है तमिल। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ आप मरीना बीच, वलूवर कोट्टम आदि जगह घूम सकते हैं। आगरा, यहाँ की जनसंख्या 22 लाख है। 87 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में स्थापित यह शहर विश्व में होम टू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये यमुना के तट पे बसा एक शहर है। दुनिया के 50 सबसे लोकप्रिय ट्रेवल डेस्टिनेशन में 3 आगरा में हैं। ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सिकरी, जो कि यूनेस्को में शामिल है। यहाँ कई व्यंजन जैसे चाट, लस्सी और पेठा तो पूरे भारत में मशहूर है। मुंबई, यहाँ की कुल जनसंख्या 2 करोड़ है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 603 किलोमीटर स्क्वायर है। इसे सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी जाना जाता है। पूरे विश्व में ये अपने बॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ आप गेटवे ऑफ इंडिया, सिद्धिविनायक टेम्पल, जूहू बीच, एलिफेंटा केव्स, धारावी, मरीना ड्राइव घूम सकते हैं। दिल्ली, यहाँ की टोटल जनसंख्या 3 करोड़ है। यहाँ का क्षेत्रफल 1484 किलोमीटर स्क्वायर में बसा है। दिल्ली भारत की नेशनल कैपिटल है। दिल्ली को भारत का दिल भी कहा जाता है। भारत की टॉप मोस्ट विजिटेड सिटी है ये। वर्ल्ड के टॉप सिटी डेस्टिनेशंस में दिल्ली 8वां पायदान रखता है। यहाँ आप कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, लोटस टेम्पल और इंडिया गेट, रेड फोर्ट, अक्षरधाम टेम्पल, राष्ट्रपति भवन, कनाट प्लेस इत्यादि जगह घूम सकते हैं। यहाँ से लगा एरिया NCR रीजन में गुड़गांव और नोएडा भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।